फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे चैनल नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक यूनिक टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने कई प्रकार के आलू के परांठे खाए होंगे, पर मैं आपके लिए झटपट बनने वाली एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। कई बार पार्टी में आपके यहाँ आलू की सब्जी या बॉयल आलू बचे रह जाते हैं, आप उनसे उन आलुओं को निकाल कर एक नई टेस्टी परांठा या रोटी भर के बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टेस्टी रोटी बनाना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं। आइए शुरू करते हैं रोटी बनाना। सबसे पहले हमने 200 ग्राम मैदा लिया है और दो हरी मिर्च काटी है, एक आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और थोड़ा सा आधे चम्मच हमने नमक लिया है, और हमने आलू लिए हैं बॉईल करे हुए। इनको अच्छी तरह से धोकर उबाल कर ठंडा कर लिया है, और ये 450 ग्राम है। इनको हम डालकर इनको मैश करेंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे, इस मैसर की सहायता से आप इसको मैश कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये हमारे आलू मैश हो गए हैं अच्छी तरह से, और बिल्कुल चिकना कर लेना आलुओं को। इसके बाद ये मैंने आलू मैश कर लिए हैं, इसमें मैंने 200 ग्राम मैदा ली थी, ये इसमें डाल दे रही हूँ, और ये बेकिंग सोडा डाल दें आधी चम्मच लिया था, और ये नमक भी आधी चम्मच है, और अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। दो हरी मिर्च डाल लें, इससे स्वाद आता है, रोटी चटपटी और टेस्टी बनेगी। अब इसको बिना पानी से ही हमें इस आटे को गूंथना है, और इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। हमने आलू और ये मैदा उतने ही लिया है कि इससे आटा हमारा इसी में डो तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह से मलकर चिकना करना है। आप जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से आप इसको इस तरह से आप चिकना आटा कर लीजिए। ये डो हमारा चिकना हो चुका है, इसमें हल्का सा हाथों में तेल लगाना है हल्का सा, और इस डो में लगा लेना है। ये डो हमारा अभी ये तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना चिकना है। अब इसकी हमें थोड़ी मोटी मोटी लोई तोड़नी है। आप इसकी इतनी मोटी बड़ी लोई तोड़िए। ये हमारी लोई तैयार हो चुकी है, इसमें हल्का सा हमें मैदा का थोड़ा सा डालना है। या तो आप तेल के हाथ से बेल सकते हैं, या आप मैदा का हाथ लगा के थोड़ा सा बेल सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हमें मोटा बेलना है। ये रोटी थोड़ी मोटी अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से आप इस वो आप बेल। अब हमने रोटी बेल ली है, इस रोटी को हमें चार टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए इस तरह से आप चार टुकड़ों में काट के, इधर हमारा तवा गर्म हो चुका है, उसको हल्के से हल्का सा ग्रीस कर लिया है हमने, और इन रोटियों को इसमें डाल दिया है। गैस हमने धीरे कर रखी है, बाद में हम मीडियम गैस कर देंगे। जब ये नीचे से सिक जाए इसके बाद ही आप पलटेंगे। इसमें हल्का सा ग्रीस करके तेल अभी से लगा दीजिए ऐसे। आप देख सकते हैं ये रोटियां इस तरफ से सिक चुकी हैं। अब इनको इस तरह से पलट कर अब धीरी आँच पर ही रोटियाँ सेकिएगा, ये अच्छी लगेंगी। अब हल्का सा घी लगाना है और इसको दबा के थोड़ा सा सेक लेना है। आप देख सकते हैं रोटियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं और सॉफ्ट हैं। आप इनको रोटियों को किसी को भी खिला सकते हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं उनको रोटी खाने में दिक्कत होती है, आप इस तरह से इनको रोटी बना के खिलाएंगे तो उनको रोटियाँ बहुत पसंद आएंगी। ये रोटियाँ सब बच्चों को लोगों बहुत पसंद आती हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ रहा है इनका। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे, और इनके हल्के हाथों से आप बेल लीजिएगा। अब ये रोटी हमारी बेल चुकी है, इसको भी हम इस तरीके से काट लेंगे। रोटियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारे ये आलू के परांठे, या आप इन्हें रोटी परांठे कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही टेस्टी रोटी तैयार हुई है और परांठे तैयार हुए हैं। आप इन्हें बड़े बूढ़ों को किसी को भी खिला सकते हैं, उन सबको पसंद आएगी। आप या किसी पार्टी में भी आप बना के रखेंगे तो सबको पसंद आती है, और बच्चों के टिफ़न में और शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इन्हें आप चटनी या दही के संग खाएंगे तो बड़ी टेस्टी लगेगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद।